मामला जी है सर कि हमारी दो माता है, एक माता के आला प्रसाद निरंजन है और एक के हम हैं। हम पांच भाई हैं टोटल, तीन भाई आला प्रसाद निरंजन हैं, दो भाई हम हैं चीलचंद और कैलाश नारायण। साढ़े नौ साल पहले हमारा बंटवारा हुआ था, बंटवारे से विवाद चालू हो गया। इसके बाद इन्होंने समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सत्ता दल में बन गए थे। 2.5 साल में इन्होंने काफ़ी झूठे मुकदमे और हमारे प्लॉटों पर कब्जे कर लिए। ठीक, पिछले साल हमने अपना कब्जा हटाने के लिए इनसे कहा, इनके भाई वगैरह मारपीट करने आ गए और मारपीट कर दी, दोनों तरफ से लड़ाई हुई, मारपीट हो गई। एक साल से कोई विवाद नहीं चल रहा, कोई गाली गलौज नहीं चल रही, कोई लड़ाई नहीं चल रही। आगे जहां हमारी ज़मीन पर जो कब्जा किए हुए हैं वहां इन्होंने कल एक दीवार बनवा दी थी 4.5 फुट ज़्यादा। तो हमारा छोटा बेटा गया विवेक पटेल, उसने कहा चाचा जा दीवार काहे बनवा दी ज़्यादा, बोले बेटा हम मिटाएं दे रहे। आज द्वारा गए कि जब मिटाई देंगे आपने दीवार, बोले नहीं मिटाऊंगा तो क्या कर लेगा। वो मौका से भागाया। मैं स्वराज ट्रैक्टर के शोरूम पे कैलाश नारायण में स्वयं बैठा था, उसने हमसे कहा कि चाचा ऐसी कह रहे, हमने चलो कंधो हम हाथ जोड़ के कह दे कल तुमने कहा था मिटा दे भैया मिटाई काहे नहीं। हम 10 कदम आगे शोरूम से पहुंचे, उसी के यहीं शोरूम के बगल में आला प्रसाद निरंजन रहते हैं, वो जीना पे खड़े चढ़ते चले जा रहे थे। हमने कहा भैया आला आपने कल कहा था कि दीवार मिटा दें, काहे नहीं मिटाई, बोले नहीं मिटाऊंगा तो क्या कर लेगा। हमने कहा तुम्हें ने कही थी कल, बोले तू खड़ा रहे और रिवाल्वर लिए थे, रिवाल्वर तान दी। हमने समझ ली कि ये रिवाल्वर घाल देगा, हमने वहाँ से भागे लगभग 25-50 फुट। तब 5 मिनट के अंदर आला राइफल लेके नीचे आए और उन्होंने कहा एक बाप का हो तो खड़ा रहो। हमने कहा खड़े हैं। मैगजीन में चूंकि कारतूस नहीं था, उसने पहला कारतूस डाला और जैसे ही उसने चलाया तो हम कूद के गुम्मा का भट्टा लगा, बगल भट्टा नहीं वो क्या बोला थी चिट्ठा लगा है, उसने कूद गए, उसने राइफल चला दिया। दूसरा कारतूस डालना चाहा जैसे ही है तो वहीं गुम्मा उठा के हमने हमारे छोटे बेटे ने घालना शुरू किया। दूसरा कारतूस उसने मैगजीन में नहीं घाल पाया, वरना वो दूसरा भी हमारे ऊपर चला रहा था। मैं अपनी जान बचा के उधर गुम्मे की तरफ हो गया, कूद गया मतलब, नहीं तो राइफल तो मेरे ऊपर घल गया था। वो मौके से भाग गए फिर, चूंकि वो दूसरा जो कारतूस है मैगजीन में नहीं डाल पाया तो हम लोगों ने गुम्मा तो थे तो बाहर कर दिया, जो सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना फुटी है। ना आज की तारीख में सुबेरे से कोई लड़ाई हुई, ना आज की तारीख में कोई गाली गलौज हुई, ना उसने गाली गलौज की ना हमारी तरफ से, बल्कि हमारा मंझला बेटा मेहरौनी शोरूम पे बैठा था, हरिओम निरंजन कोर्ट में आज तारीख थी तो वहाँ थे, कोई विवाद की स्थिति नहीं थी, ना हम विवाद करना चाहते थे। उसने जान से मारने की नीयत से हमारे ऊपर सीधा राइफल चलाया। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष पर उनके भाई ने गोली चलाने का भी आरोप लगाया है और काफी वगैरह इसमें पूरे प्रकरण की जांच के लिए सीओ सिटी और इंस्पेक्टर कोतवाली मौके पर पहुंच गए हैं। फैक्ट्स की जानकारी की जा रही है, जो फैक्ट्स निकलेंगे यदि उसमें जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।